हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सूजी और आलू की पूड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ही कम सामान के साथ और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और इसे आप किसी भी तरीके की चटनी के साथ, अचार के साथ या फिर प्लेन दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम एक बोल में ले लेंगे एक कप सूजी। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक कप गर्म पानी, जिससे कि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी। यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप नॉर्मल सूजी को एक बार मिक्सर में चला लें तो उससे वो बारीक हो जाएगी। इसे हम मिक्स कर देंगे और अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे साइड में, जिससे कि सूजी जो है वो सारा पानी अब्जॉर्ब कर ले। और यहाँ पर मैंने दो उबले हुए आलू ले लिए हैं, मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें ग्रेट करना है, और इसे मैंने छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना हो और जो हमारी पूड़ी है वो बहुत ही अच्छे से फूले। तो यहाँ पर इसे हम ग्रेट कर लेंगे, जिससे कि इसमें कोई भी गुठली ना हो। मैश करने से छोटी मोटी गुठली जो है वो रह जाती है, तो इसीलिए इसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने दोनों आलू को ग्रेट कर लिया। और इसे हम मेजरिंग कप से मेजर कर लेंगे। तो ये देखिए, एक कप सूजी था और एक कप ही उबले हुए आलू हमें लेने हैं। इसे हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, सूजी ने सारा जो पानी था वो एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो आलू को मेजर करके रखा है वो यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे। आलू को मैंने प्रेस कर करके इसमें अच्छे से भरा था। इसके बाद इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच। तो ये मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। इसके बाद इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स दो छोटे चम्मच, आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच अजवाइन। इसे इस तरह से क्रश करके डालेंगे, इससे जो इसका फ्लेवर है वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है अजवाइन की। इसके बाद इसमें जाएगा एक छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर। सौंफ को मैंने हल्का सा गर्म करके उसे क्रश कर लिया था। और यहाँ पर मैंने एक छोटा चम्मच लिया है कसूरी मेथी, इसे भी इस तरह से क्रश करके ऐड करेंगे हल्का सा गर्म करके। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पर मैंने ये आधा कप लिया हुआ है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे गेहूं का आटा। तो अभी मैं इसमें एक कप गेहूं का आटा डाल रही हूँ, टोटल मैंने 1.5 कप डाला था। तो यहाँ पर मैं इसमें अभी 1 कप डाल रही हूँ, ज़रूरत लगेगी तो बाद में और डालेंगे। और अब बिना पानी ऐड किए हमें इसका आटा गूंदना है, थोड़ा टाइट आटा। तो यहाँ पर आटा गूंदने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए मम्मी आ गई हैं, क्योंकि मेरे रिस्ट में थोड़ी पेन है तो मम्मी यहाँ पर आटा गूंद रही है। आपको पानी का यूज़ नहीं करना है, आलू में जितना भी मॉइस्चर है हमें उसी से इसका आटा लगाना है। और आटा हमें थोड़ा सा टाइट रखना है, जितना हम रोटी के लिए गूंथते हैं उससे हल्का सा टाइट रहेगा बस। और ये देखिए, अच्छे से पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर ये थोड़ा सा गीला लग रहा था तो मैंने यहाँ पर आधा कप आटा जो है वो और डाला है। और आपका गेहूँ का जो आटा है वो इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, 1-2 चम्मच, कि ये डिपेंड करता है आपके आलू पर। आलू में अगर ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो आटा ज़्यादा लगेगा, आलू में कम मॉइस्चर होगा तो आटा आपका कम लगेगा। यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है 1 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। फिर से हम इसे अच्छे से मसल लेंगे तेल के साथ। एक चिकना सा हम इसका डो रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर डो जो है वो रेडी हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर जो डो है वो थोड़ा सा टाइट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हल्का टाइट है। तो अब हम इसे पूरियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, जिससे कि ये हाथों में चिपके ना। हमें सूखा आटा नहीं लगाना है, आपको ऑयल यूज़ करके ही इसे रोल करना है। तो सबसे पहले हम इसका लेमन के साइज़ का, नींबू के साइज़ का बॉल बना लेंगे। ये देखिए, मीडियम साइज़ का मैंने बॉल बनाया है। इसे हल्का सा फिंगर से फ्लैट करेंगे और बेलन पर भी हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, जिससे कि ये चिपके ना बेलते टाइम। अब हम इसे बेल लेंगे। तो आपको इसे बिल्कुल पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा रखना है। मैं अभी आपको दिखाऊँगी इसे कितना मोटा रखना है आपको। तो देखिए, मैंने इसे बेल लिया है, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। और ऑयल भी यहाँ पर गरम हो गया है गैस पर। तो ये देखिए, मीडियम हॉट ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। तेल में डालने के बाद आप इसे हल्का हल्का सा इस तरह से ऑयल में प्रेस कर रहे हैं, हल्का हल्का सा इसे, ये देखिए इस तरह से प्रेस करें आप, इससे ये अच्छे से फूल जाती है। और इसे हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती दोनों साइड से, तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। और एक तरफ से जब कलर आ जाएगा तो हम इसे फ्लिप कर देंगे। ये देखिए, एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, तो इसे फ्लिप कर देंगे। और इसी तरह से हम बाकी की पूरियां भी फ्राई कर लेंगे।
तो ये देखिए मैंने सारी पूरियाँ यहाँ पर फ्राई कर ली है और आप देख सकते हैं कि इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। आप इसे किसी भी तरह की चटनी या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर दही के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही आसान भी है इसे बनाना, बहुत ही कम सामान के साथ आप इसे बना सकते हैं। तो आप भी इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय।